हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ बबुस पालिया में। एक शॉप है वहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के सारे सामान अवेलेबल हैं। देखो सारे सामान अवेलेबल हैं, तो वहाँ आई हूँ। जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी है तो शॉपिंग तो करनी ही है। और तो और यहाँ पे देखो ये बच्चों को तैयार करने वाली ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं। कितनी क्यूट क्यूट ड्रेसेस है ना, बहुत ही क्यूट क्यूट ड्रेसेस हैं। तो चलो जल्दी से पहले हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत शॉप भी दिखा देते हैं। बड़े होंगे मेरे कृष्ण जी के लिए, ये परफेक्ट साइज है मेरे कृष्ण जी की। साइज तो ये भी सही है, बट ये अच्छे लग रहे हैं। और कौन कौन से हैं? ये तो बहुत ही बड़े हैं, वैसे तो ये भी अच्छे हैं। एक रुक के मैं ये वाली ले लूँगी। यार ये ऐसे पहनाए जाएंगे, कैसे पहनाए जाएंगे? जैसे हम पहनाते हैं वैसे पहनाए जाएंगे, ये तो बस शोकेस है। अच्छा, गैया भी मिल रही है कृष्ण जी की। इससे मैचिंग मुकुट देखो, इससे मैचिंग मुकुट, मुकुट मैचिंग बाद में देखो। छोटा ये छोटा बड़ा दोनों हो जाएगा ना? नहीं होगा यार, ये मैचिंग और ग्राम रेड वाला। हाँ वो भी ठीक है, मैं और भी देख रही हूँ। एक्चुअली मोर पंखी होना चाहिए ना, इसका छोटा नहीं है क्या? मटकी लेनी है, मटकी ऐसा छोटा, वो दोनों छोटा। कौन सा ये? हाँ साइज वही है। झूले भी हैं इनके पास, बहुत ही प्यारी शॉप है ये। मैं हमेशा यहीं की शॉपिंग करती हूँ। ये लड़कों के लिए भैया कितने का है? रेट कम ही है, 250 का है। 250 का है। और लड़कियों वाला वो है? हाँ ये है, खोल के दिखा दो। कितना क्यूट है यार। हाँ क्यूटी है, बहुत ही क्यूटी है। ये कितने का है? कौन सा है ये? 250। हाँ ये क्या है? क्यूट क्यूट कृष्ण भगवान की थाली और ये सब रखा हुआ है। और बड़े प्यारे प्यारे आइटम होते हैं यहाँ पे, मज़ा आ जाता है मुझे आइटम देख के। पटेल नॉवल्टी एंड स्टेशनरी बाबू सब पाजिया। सारे सामान होते हैं ना, जितनी भी पूजा के सामान होते हैं सब होते हैं आपके पास। जब जब कोई भी पूजा यूपी साइड की है, साउथ साइड की पूजा के सामान भी रखते हैं हम सब। नॉर्थ साउथ से भी पूजा के सामान होते हैं, ठीक है। वो शॉप पटेल जो भैया ने अंदर बताई, पटेल की शॉप। हम लोग तो देखो रास्ता जानते थे, तो हम आ जाते हैं ऐसे ही हर बार लेने। आज पहली बार मैंने कहा कि सबको बता दूं, क्योंकि सारा सामान यहाँ पे मिल रहा है तो सबको पता रहेगा। आई थॉट सबको पता होना चाहिए यार, क्योंकि लोग फिर सोचते हैं कहाँ सामान मिल रहा है बाबूस पालिया में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, मैं हमेशा इन्हीं के पास से सामान लेके जाती हूँ। मूड तो था कि पूरा बाबूस पालिया घूमेंगे, बट क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो घर जा रहे हैं। और आज मंडे है, US में ऑफ है, तो हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल गया है घर से बाहर निकलने का। तो आ गई हूँ शॉपिंग करके, मतलब मैं पूरे अटायर में गई थी। देखो पूरे अटायर में गई थी, क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आज जन्माष्टमी की शॉपिंग घूम घूम के करूँगी। बट एज यूजुअल बैंगलोर में बारिश का कुछ पता नहीं रहता, तो हम लोग बाबूस पालिया गए। वहीं पे एक शॉप जिसको मैं पहले भी बहुत बार शॉपिंग कर चुकी हूँ, आपको दिखाई दिए, वहाँ से शॉपिंग करी। और सीरियसली मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे सामान मिल रहे हैं। वैसे मैं हमेशा कामनहल्ली जाती थी शॉपिंग करने, वहाँ से शॉपिंग करी, बहुत अच्छी से शॉपिंग हो गई मेरी। साथ में मैं ये सूट मुझे टाइट करवाने के लिए मैंने दिया था, बहुत प्यारा सा सूट है अंदर से, लेकिन ये जन्माष्टमी में पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये भी टाइट करवा के आ गई हूँ। बस अब डिनर का टाइम है, डिनर बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है जन्माष्टमी की, तो आप लोग बबूस पालिया के आसपास रहते हैं तो वहाँ जाके जरूर शॉपिंग कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा स्टफ आया है। वैसे उनके पास हमेशा पूजा का जो भी स्टफ होता है बहुत ही प्यारा ही होता है। अब चलते हैं जल्दी डिनर की तैयारी करते हैं। सो ये मैं बैटर रेडी करके गई थी इडली का, सूजी वाली इडली बना रही हूँ बेसिकली। तो अब इडली बनाएंगे, चटनी ऑलरेडी बन गई है, ये रही चटनी जो कि
फुदीने की चटनी और कल हम इतने बनाई थी। बस हमारे जन्माष्टमी शॉपिंग का छोटा सा ब्लॉग यही था। अब मैं जाती हूँ, चेंज करती हूँ और जल्दी से इडली को चढ़ा दिया है मैंने, अपने डिनर को रेडी करती हूँ और हम लोग खा के अब सोएंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉग्स मैं आप लोगों को दिया करूँगी। आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया कि नहीं। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।